लेकिन ख्वाहिश ये है कि हम आपको वो दुआ सुनाएं और आप पूरी तवज्जो के साथ इंशाल्लाह उस दुआ को सुनेंगे। और आइम्मा की दुआएं तरबियत होती हैं। आप अल्फाज देखिएगा, आप सहीफा सज्जादिया कि जो कुरान की तरह वो भी महजूर है, ठीक है। हमारी मतलब बाज़ औक़ात बंदा जितना सोचता है कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे है, लेकिन हुआ हुआ ही। सहीफा कामला, नहजुल बलागा फारिग, कुरान फारिग और जन्नत कन्फर्म। कैसे कैसे हुई ये दुआ सुनिए। ये दुआ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दुआ कबल तिलावत कुरान। इमाम ये दुआ किया करते थे तिलावत कुरान से पहले, अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु, ए अल्लाह बेशक मैं गवाही देता हूँ, अन्न हाज़ा किताबुक, कि ये जो मेरे सामने मैंने खोला है ये तेरी किताब है, अल्मुन्ज़लु मिन इंदिक, जो तेरे पास से नाजिल की गई है, तेरे पास से आई है, अला रसूलिक मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह, तेरे रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा इब्न अब्दुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम पर। यानी ये कुरान का गोया दुआ दुआ में कुरान की तारीफ हो रही है, कुरान की फजीलत बयान कर रही है। भेजने वाला खालिक कायनात, उससे बड़ा तसव्वुर नहीं हो सकता। जिसके जरिए इंसानों तक पहुंचा है उससे बड़ा भी कोई तसव्वुर नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा। मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं वो किताब खोल रहा हूं, वो किताब पढ़ने लगा और कुरान का जिक्र जारी है। वकलामुकन नातिकु अला लिसान नबीक, और ये तेरा वो कलाम है जो बोलता है, कलामुकन नातिक, तेरा बोलने वाला कलाम कैसे बोलता है, अला लिसान नबी, एक तेरे नबी की जुबान से, तेरे नबी ने ये हमें बोलकर बताया। जअलतहु हादियन मिन का इला खल्किक, ए अल्लाह तूने इसे अपनी तरफ से अपनी मखलूक की तरफ रहनुमा करार दिया है, बनाया है, हादी बनाया। मखलूक क्या कह रही है समझ नहीं आता, ये मैं जान के रिपीट करता हूँ, ठीक है। जैसे ये बातें ऐवें की गई, इमाम फरमा रहे हैं मखलूक के लिए, इमाम थोड़ी कह रहे इसको तूने हम अहले बैत के लिए सिर्फ हिदायत करार दिया है, या उलमा के लिए सिर्फ हिदायत करार दिया है, मौलाना हजरात के लिए और पब्लिक को छुट्टी दे दी है कि सिर्फ सुन सुना के चले, नहीं। मिन का तेरी तरफ से, इला खल्किक, तेरी मखलूक की तरफ हादी बनाया, और वहबलन मुत्तसिलन, और एक ऐसी इस कुरान को तूने एक ऐसी रस्सी करार दिया है जो मुत्तसिल है, मुत्तसिल है यानी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, फीमा बैनक व बैन इबादिक, वो तमाम उमूर जो तेरे और तेरे बंदों के दरमियान है इस रस्सी के जरिए जुड़े हुए हैं। यानी तू जो कुछ बंदों से चाहता है इस कुरान के जरिए बंदे उस तक पहुंचेंगे। यानी अल्लाह को बंदों से इस रस्सी ने जोड़ रखा है, ये लफ्ज है इमाम के। वहबलन, और एक ऐसी रस्सी, मुत्तसिलन, जो मुत्तसिल है, फीमा बैनक व बैन इबादक, उस चीज में जो तेरे और तेरे बंदों के दरमियान है, इस कुरान ने उसे कनेक्ट कर दिया। अब ये कुरान की फजीलत बयान की पहले, अब दुआ मांग रहे हैं असल, क्योंकि आइम्मा ने जो दुआ के आदाब बताए हैं उसमें फरमाते हैं कि जाते साथ हाजत ना मांगो, बल्कि पहले अल्लाह की हम्द करो, उसकी नेमतों का शुक्र करो, और ये कुरान की तारीफ यानी शुक्र।
अब देखिए अल्लाह अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी नशरतु, बेशक मैंने खोला है, नशर करना यानी खोलने का माना होता, मैंने खोला है अहदका व किताबक, तेरे अहद को और तेरी किताब को। ये निगाह है आइम्मा की कुरान के बारे में, यानी मैं जो खोल रहा हूं ये वो अहद है जो तू मुझसे लेना चाहता है, तेरे वो तेरे बंदे होंगे जो इस अहद के मुताबिक इस अहद को कबूल करेंगे। मैंने तेरे अहद को खोला है, बंदे और अल्लाह के एग्रीमेंट को खोला है पढ़ने के लिए, इस एग्रीमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। इधर बंदों को परवाह ही कोई नहीं कि एक दफा देख ले एग्रीमेंट क्या है, और इसका बोतान भी अल्लाह पे लगा देते हैं, किताब ही नहीं समझ आती। मैंने खोला है तेरे अहद को और तेरी किताब को। अल्लाहुम्मा फजअल नजरी फीहि इबादा, ऐ अल्लाह बस इस कुरान में मेरे देखने को, मेरी नजर को इबादत करार दे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बड़े समझदार हैं, कहते हैं इतना ही बस है सर, हम बस देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हिमाकत में समझदार है, यानी हिमाकत करने में समझदार, बड़ी समझदारी से हिमाकत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कुरान को देखना भी सवाब है, लेकिन इसका मतलब यह था हदीस का कि सारी उम्र देखते ही रहो, नहीं। मसलन फरमाया कि जो हमारी रिवायात में आया कि मसलन अली के चेहरे को देखना इबादत है, चेहरा देखते रहो, वो कहे कि फलान काम करो मेरे साथ, कहते नहीं मैं हमने आपका चेहरा देखना है सिर्फ, हमें बहुत मजा आता है, बात शायद कोई नहीं माने, सवाब मिलेगा इसको, सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा मुजरिम है, वही देखना जुर्म हो जाएगा, क्योंकि असल तो उन्होंने अल्लाह का काम लेना है ना, अल्लाह का हुक्म पहुंचाना है, बात नहीं मानोगे तो खुदा की बात नहीं मान रहे, कहते नहीं नहीं सिर्फ देखते रहना ही बात है, इस पर खुश हो, बात नहीं मानते। इसी तरह कुछ लोग कुरान को तो देखते रहो और आगे नहीं बढ़ना, ये बातें ले, ये अहमकाना बात है। फजअल नज़री फीहि इबादा, ऐ अल्लाह इस कुरान में मेरे देखने को अपनी इबादत करार दे। वक़िराअती फीहि फिक्रा, और इस कुरान के पढ़ने को, मेरे पढ़ने को फिक्र बना दे, यानी जो मैं पढ़ूं वो मेरी सोच मेरी फिक्र में ढलता जाए। जो बगैर समझे पढ़ते हैं इस दुआ से लेना देना क्या उसको, और वो तो ये दुआ भी पढ़ते उनको नहीं पता होता अल्लाह से क्या मांग रहे हो, तो शुरू में इमाम साहब की दुआ मांगो इसका भी सवाब मिलेगा, वो कह रहे क्या है उसकी परवाह, उसके बरक्स कर रहे होते हैं। इस दुआ का भी तर्जमा पढ़ने से पता लगेगा ना इमाम कौन सी तिलावत अल्लाह से तलब कर रहे हैं, वो भी नहीं पता, इसका भी सवाब, कुरान का भी सवाब, सवाब पे सवाब, कोई समझने की जरूरत ही नहीं। वक़िराअती फीहि फिक्रा, और मेरी किराअत को इस कुरान में फिक्र बना दे। अगला स्टेप, वफिक्री फीहि इतबारा, और मेरी फिक्र को फिर एतबार में बदल दे। एतबार अरबी जुबान में, उर्दू में हम एतबार कहते हैं, एतमाद कर लेना, ठीक है, असल इसका माना है इबरत ले लेना, यानी जो कुछ वहां से इबरत मिली, जो दर्स मिला, जो सबक मिला, उसको कबूल कर लेना, और हम उर्दू में कहते हैं ना उस बंदे ने इबरत ले ली है, क्या मतलब होता है, अब वो नहीं रहा जो पहले था इबरत लेने से, ये फरमा रहे। और मेरी फिक्र को, ये नहीं है कि फिक्र करके पीएचडी का थीसिस लिख दे, लेकिन एतबार ना हो, इबरत ले नहीं, वैसे का वैसे है जैसे पीएचडी से पहले था, कुरान में पीएचडी करके भी वैसे की वैसी जिंदगी है। फिक्र को पूरा एंड तक रास्ता दिखा रहे हैं दुआ दुआ में। वफिक्री फी है एतबारा, इस तरह कुरान पढ़ने की तरबियत नहीं होनी चाहिए थी लोगों की, अगर दीन
आइम्मा से लेना है तो इस तरह तरबियत क्यों नहीं हुई, फिर इस पे जोर क्यों नहीं दिया? सिर्फ एक तिलावत कुरान को कराते कुरान को रस्म बना के रख दिया, जैसे मैंने अर्ज किया मजमा जमा करने के लिए। अभी किबला साहब तशरीफ नहीं लाए, पहले कारी को बिठाया हुआ, जब तक किबला नहीं आता तू लगा रहे, ना सुनने वालों को कोई परवाह है? ये तौहीन है कुरान की। और मेरी फिक्र को एतबार बना दे, वजअलनी मिम्मन तअदा बिबयान मवाइदिक फीह, और ए अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर दे, उन लोगों में करार दे दे कि जो इस किताब में तेरे बयान किए हुए, तेरी बयान की हुई नसीहतों को कबूल कर लेते हैं, मुझे उनमें करार देना, इस तरह कुरान पढ़ने की मुझे तौफीक दे। ये सारी बातें समझने के बाद आती हैं, पहले आती नहीं, होश ही नहीं होता, बगैर समझे कभी आगे एंड में इस दुआ के आ जाएगा। वजतनबा मासी का, और मुझे उनमें से करार देना कि जो कुरान पढ़ने के बाद फिर तेरी नाफरमानियों से इजतनाब करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं समझते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम करना है, और फिर उसी के मुताबिक वो जो जिन कामों से बचना है उनसे इजतनाब करते हैं। ये कौन करेगा जिसको पता होगा मैं क्या पढ़ रहा हूं? वरना ये अरबी में दुआ मांग के करात करके ए अल्लाह मुझे तौफीक, तो पता ही नहीं है मैं क्या मांग रहा हूं, जिसको पता ही नहीं उसने क्या कहना है, वो तो मुंह से बोली जा रहा है अल्फाज। एंड में ये बात भी आ जाएगी, वला तत्बा इंद किराती अला समई, और ए अल्लाह मैं जब कुरान की करात कर रहा हूं मेरे कानों पर, मेरी समाज पर मोहर ना लगा देना। ये कुरान ने ये बात की हुई है ना, इसलिए कुरान कहते हैं ना हमने मोर लगा दिए, खत्म अल्लाह अला समअहिम, खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम व अला समअहिम व अला अबसारहिम गिशावा। ये खत्म अल्लाह यानी तब और खत्म एक ही चीज है। वला तत्बा मेरे, मेरी समात पर कुरान के पढ़ते वक्त मोर ना लगाना। क्या मतलब है इसका? मैं सुनूं लेकिन असर ही कोई ना, चाहे मैं पढ़ के सुन रहा हूं खुद या कोई पढ़ रहा हूं मैं सुन रहा हूं, ए अल्लाह मेरे कान पर मेरी समात पर मोहर ना लगा देना। ये मोहर लगना यानी बेअसर हो कुरान की करात मेरे ऊपर, मेरे ऐसा मुझे ना बना। वला तजअल अला बसरी गिशावतन, और कुरान पढ़ते वक्त मेरी आंखों पे पर्दा ना डाल देना। इसका क्या मतलब है? क्योंकि पर्दा आता है ऊपर से गिर जाता है आसमान से, नहीं पढ़ रहा है लेकिन जो अल्लाह दिखाना चाहता है नहीं देख रहा, ये पर्दा। और आज अक्सर तिलावतें ऐसी होती, ना कुछ सुन रहे होते हैं ठीक है और ना कुछ देख रहे होते, बस अनसीन वादी की सैर कर रहे होते। और ये जुमला जो है इस दुआ का, समझ लेके मेन, मेरी नजर में मेन जुमला जिसको पूरी तवज्जो से सुन, इसको सुने और बताइएगा मुझे, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि अक्सरियत उम्मत की अक्सरियत मुख्तलिफ मसालिक समेत हमारे जो अपने आप को शिया कहते हैं, इनका ये जो इमाम फरमा रहे हैं ये वाली कराअत और जो हमारी अक्सरियत जो करती है वो उसमें क्या कैसा कंपैरिजन किया जा सकता है? तवज्जो कीजिए, वला तज अल किराती किराअतन, ए अल्लाह मेरी किराअत को, मेरे कुरान पढ़ने को ऐसा पढ़ना करार न देना, ऐसी किराअत करार न देना, ला तदब्बुर फीहा, जिसमें गौर व फिक्र ना हो। यानी इमाम खुदा से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इस कुरान मेरे पढ़ने को ऐसा पढ़ना ना बनाना जिसमें सोच समझ नहीं होती, जिसमें तदब्बुर नहीं होता, जिसमें गौर व फिक्र नहीं होती। आज अक्सरियत अहले बैत के मानने का दावा करने वाले भी
इस करात से कोसों दूर है, परवाही कोई नहीं। राइज कर दिया गया है बगैर तदब्बुर के कुरान पढ़ना। फिर कैसे कहते हैं दीन आइमा से लेते हैं? आइमा तो ये बता रहे, ये क्यों नहीं, इसकी तरवीज क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं बचपन से ये जहन में डाला जाता? जो बच्चे को कुरान पढ़ना मिसाल के तौर पर सिखा, क्यों नहीं उसी वक्त से ये तरबियत करता कि मेरा बच्चा असल ये काम है। अल्लाह ताला ने रटलाइजेशन के लिए नहीं उतारा कुरान। रटलाइजेशन समझते हैं ना, वो हमारे जब स्कूल कॉलेज का दौर था तो बाज लोगों ने एक जुमला बनाया हुआ था, बोला करते थे रटलाइजेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, रटो और पास हो जाओ, ये रट के पास होने वाली चीज नहीं है। कहा जा रहा है ऐ अल्लाह मेरी इस करात को रट्टा करार मत देना, जिसमें उसको रट्टे मारने वाले को समझ नहीं आ रही होती मैं क्या कह रहा हूं, और मेरी करात को ऐसी कराअत करार न देना जिसमें तदब्बुर ना हो, गौर व फिक्र ना हो। बल जअलनी अतदब्बर आयातही व अहकामा, बल्कि मुझे बना दे ऐसा, मुझे करार दे दे ऐसा कि मैं इस कुरान की आयात में गौर व फिक्र करूं और इसके अहकाम में गौर व फिक्र करूं, ऐसा कुरान के बारे में मुझे बना दे। आखिजन बिशराय दीनक, और तेरे दीन के शराय अहकाम जो इस कुरान में बयान हुए हैं उनको पकड़ लूं, उनको पकड़े रखूं, थामे रखूं, इस तरह कुरान पढ़ने की मुझे तौफीक दे। वला तजअल नजरी फीह गफला, ऊपर फरमाया था ना मेरे देखने को इबादत करार दे, अब वाजे हो जाएगा कि वो कौन सी नजर इबादत बनेगी। फरमाया और मेरी इस कुरान में नजर को गफलत न करार देना, देख रहा कहीं है, सोच रहा कहीं है, गाफिल। गफलत का माना वाजे है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे घड़ी को देख रहा हूं, आप देखें यह बंदा घड़ी को देख रहा है, मेरा दिमाग कहीं और पहुंचा हो, आप मुझसे पूछें कि क्या देख रहे थे, मुझे याद ही ना मैं क्या देख रहा था, ऐसी भी गफलत हो जाती। और कुरान में गफलत यानी पता ही कोई नहीं। और आखिरी जुमला है वला किराअती हज़रा, ना मेरी नजर को कुरान को देखने को गफलत करार देना, गफलत वाली नजर, गाफिल को पता ही नहीं है, और ना मेरी किराअत को हज़र करार देना। हज़र क्या होता है? मुंह से बोल रहा है पता ही नहीं क्या बोल रहा है, कहते बेहुदा गुई। बाज़ुकात अगर कोई बंदा किसी अच्छी महफिल में कोई नाजेबा बात करे और उससे तवक्को ही ना हो तो आप उसे कहते तो पता है तुमने क्या बोला, यानी ये जो तुमने लफ्ज बोला है इसका पता है कि इसका क्या असर है, नेगेटिव या मसलन फर्ज करे कोई पॉजिटिव बात, पता है तुमने क्या बात कर दी। मतलब एक बंदा जोश में आए महफिल में और हो मुश्किल से उसकी वर्थ जो है वो 40-50 लाख हो और वो किसी महफिल में जोश में आके कहे मैं 1 करोड़ डोनेशन का ऐलान कर रहा हूँ, तो जब बैठे तो साथ वाला कहे कि पता है तूने क्या बोला, ठीक है ना, अपने अल्फाज का मीनिंग पता है कि तूने बोला 1 करोड़ देता तो तू है ही पूरा 50 लाख का, 1 करोड़ कहाँ से बोल रहा है। हज़र ये होता है बेहूदा, पता ही नहीं है क्या बोले, अल्लाह से कह रहे हैं मतलब ये करेंगे ये करेंगे, दुआएँ भी बगैर समझे दुआएँ भी यूँ अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, पता ही कोई नहीं क्या बोला जा। वला किराअती हज़रा, और मेरी इस कुरान की किरात को बेहुदा गोई करार न देना, जिसको पता ही नहीं है मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। इन्नका अंतर रऊफुर रहीम, बेशक यानी ये तुझसे मांग रहा हूँ क्यों, बेशक तू बहुत ज़्यादा नरमी करने वाला और बहुत ख़ास रहमतें अता करने वाला, यानी ये मैं तेरी ख़ुसूसी रहमतों का तलबगार हूँ, मैं तलबगार हूँ, और ख़ुसूसी रहमतें मिलती भी उन्हीं को हैं जो तलबगार होते हैं, बाकी अमूमी तो सब के लिए दुनिया की नेमतें जब तक मोहलत ख़त्म नहीं होती। इस दुआ के अल्फाज को गौर कीजिए और फिर ज़रा इस दुआ की ऐनक लगाकर देखिए हमारे यहाँ कैसे कुरान पढ़ना राइज है जिस पर कौम खुश। ये कुरान जिस करात से इमाम पनाह मांग रहे हैं उस पर सेटिस्फाइड है, और जो करात इमाम अल्लाह से तलब कर रहे हैं उसकी फिक्र ही कोई नहीं। खुला तजाद।
ठीक है, इसको खुला तजाद कहा जाता है।